जो पटना महिला थाना अध्यक्ष थी उसके द्वारा एक बलात्कार के मामले में बिल्कुल उसको दबाने का प्रयास किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी का भी कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही FIR दर्ज की गई। जब इसकी जांच कराई गई तो मामला सत्य पाया गया, जिसके आधार पर महिला थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब जो भी महिला थाना अध्यक्ष बनेंगी तो लगभग उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके लिए मैंने एक टीम बनाई है जिसमें कि तीनों पटना के सिटी SP और ग्रामीण SP पटना उसमें टीम में शामिल रहे। कल उसका रिटन टेस्ट होगा, उसमें सभी 40 महिला पुलिस ऑफिसर आएंगी, उनका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। वो लोग पूरी टीम इंटरव्यू लेने के बाद और पूरा उनके मार्क्स लेने के बाद तीन की सूची के साथ में, जो सबसे बेस्ट मेरिट बेसिस पे महिला ऑफिसर रहेंगी उनकी लिस्ट के साथ में वो हमारे ऑफिस में आएंगे, और उन तीनों में से जो मेरिट में होगी उसमें से एक का चयन पद स्थापन महिला थानाध्यक्ष के रूप में किया जाएगा। इस तरह का फैसला इसलिए लिया गया कि कई बार ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं जिसमें कि जो SHO हैं वो कार्य इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं, और एक बार सस्पेंड होने के बाद दूसरी बार SHO बन जाते हैं, दूसरी बार होने के बाद तीसरी बार बन जाते हैं, तीसरी बार होने के बाद चौथी बार बन जाते हैं, और कई बार जो बिल्कुल लापरवाह और काफ़ी एकदम इनफेक्टिव टाइप के SHO रहे हैं या थानाध्यक्ष रहे हैं वो भी बन जाते हैं। तो इस तरह की एक परिपाटी हमें चलाने की ज़रूरत है जिसमें कि जो मेरिट बेसिस पे या जो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि साइड में बैठे हुए हैं परंतु जिनका व्यवहार अच्छा है लोगों के साथ में, जिनका काम करने का स्टाइल अच्छा है और जिनके ऊपर किसी तरह का वैसा कोई शिकायत भी नहीं है, तो वो लोगों को भी उनको भी चांस मिले और हमारे जो पदाधिकारी हैं जो SHO बन सकते हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन होगा कि नहीं कोई भी SHO बन सकता है, बस उसको परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी होगी। अभी महिला शिक्षित थाना महिला अध्यक्ष के लिए ये शुरुआत की गई है और भविष्य में हम अन्य थानों के लिए भी इसका कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि अच्छे पदाधिकारी, अच्छे व्यवहार वाले पदाधिकारी और इफेक्टिवली कार्रवाई करने वाले पदाधिकारी ही SHO के पद पर पद स्थापित हो पाए। वो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर और उनके पूरे बैकग्राउंड को देखते हुए हर चीज़ों का आकलन करने के पश्चात, एक टीम टेस्ट लेने के पश्चात ही वो ऐसी सूची समर्पित करे। इसके आधार पर अन्य थानों में भी थाना अध्यक्ष पद स्थापन भविष्य में किया जा सके, उसकी एक परिपाटी जल्दी ही बनाने के लिए हमारे तरफ से प्रयास किया जाएगा।